उत्तर प्रदेश में बुधवार को पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन के अंतिम दिन जहां बड़े बड़े धुरंधरों ने पर्चा दाखिल किया, वहीं आगरा में नामांकन का आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम रहा। जिला मुख्यालय पर निर्दलीय प्रत्याशियों की चहल पहल दिखाई दी। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खेरागढ़ की 95 वर्षीय जलदेवी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। 2016 में हुए जिला पंचायत चुनाव में भी जलदेवी ने अपनी किस्मत आजमाई और बड़े अंतर से जीत भी दर्ज की। व्हीलचेयर पर आई जलदेवी अपने पुत्र रामनाथ सिकरवार और प्रस्तावकों के साथ पहुंची और निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की हुंकार भरी। इस दौरान जलदेवी ने कहा कि चुनाव जनता के सहयोग और बुलंद हौसलों पर लड़ा जाएगा, साथ ही पहले की तरह विरोधियों को चारों खाने चित किया जाएगा। पंचायत चुनाव में भी 95 वर्षीय जलदेवी ने विरोधियों को करीब 13,000 वोटों से हराया था। जलदेवी का कहना है कि मैं अपने साथ एक डंडा लेकर चलती हूं। चुनाव जीतने के बाद जो अधिकारी खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करेगा, उससे मेरा यही डंडा बात करेगा। तो यूपी चुनाव में उम्मीदवारों के अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई उम्मीदवार गधे पर बैठकर पर्चा भरने पहुंचता है, तो वहीं उम्र के इस पड़ाव पर भी चुनाव लड़ने का जज्बा है। यूपी चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव।